बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट फाइव और आधे दिन की पूरी खबरों के साथ मैं हूं तारिक मतीन। पनामा लीक्स केस की समाअत में आज एक बार फिर अदालत के बाहर नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं ने हर बार की तरह ये साबित करने की कोशिश की कि अदालत में जीत उनके मौकिफ की हो रही है। पांच रुकनी बेंच ने कहा है कि अदालत को यह देखना होगा कि क्या सऊदी अरब या दुबई से कतर भेजी गई रकम पर पाकिस्तान के कानून लागू होते हैं या नहीं। पीटीआई कहती रही है कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला, लेकिन अदालत का कहना था कि महज किसी शख्स या वजीर आजम की तकरीरों में पेश किए गए हकायक को बुनियाद बनाकर इस मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने दलाइल दिए और कहा कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने पनामा लीक्स के बारे में कौम और पार्लियामेंट में फिर झूठ बोला और जो तकरार की थी उन तकारीर में हकायक को जानबूझकर छुपाया गया था और उन तकारीर में कतर में होने वाले बिजनेस का कोई जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत ने भी ये बात की कि अदालत के बाहर खड़े होकर ये मौकिफ जो दोहराया जाता है, जिस अंदाज से दोहराया जाता है, उससे केस पर असरअंदाज करने की होने की कोशिश की जाती है। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ और मैंने आज भी एक अपने वकील से बात की है कि मैं अदालत में जाऊँ और ये प्रपोजिशन सामने रखूँ के आईन और कानून के मुताबिक जेरे समात मुकदमात पर बाहर रायजनी नहीं हो सकती। जो कहना है किसी पार्टी को, किसी मुवक्किल को, वो अपने वकील के जरिए कहे। वहाँ प्रेस मौजूद होता है, ये खुली अदालतें हैं और प्रेस रिपोर्ट करता है, टीवी पे जाती हैं, लेकिन टीवी स्क्रीनों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और उसके अलावा अपनी राय जब तक अदालत फैसला न कर ले, ये गलत बात है, ये आईन के खिलाफ है। तो अपने इस मौकिफ के साथ सिद्दीक अल फारूक साहब आप ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि दानियाल अजीज साहब, तलाल चौधरी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और दीगर रहनुमा जो अदालत के बाहर आकर गुफ्तगू करते हैं, उन्हें अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं करनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि जब पीटीआई वाले ये बात करते हैं तो उन्हें मजबूरन रद्द अमल में ये करना पड़ता है। बात है दोनों की गलत, लेकिन वो तो रद्द अमल में करते हैं, अदालतें मना करती हैं कि ये काम। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गलती आपकी गलती का जवाब है? मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर हमारे लोग जवाब उस सूरत हाल का न दें तो यकतरफा बात आवाम के सामने पहुंचेगी, वो गलत है। ठीक है, आज जो पाबंदी होनी चाहिए दोनों पर। बैक टू न्यूज़ एट फाइव। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 10 अरब के कराची तरक्याती पैकेज पर काम की रफ्तार तेज करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगले माली साल में वो कराची के लिए मजीद 10 अरब रुपए का पैकेज देंगे। कहीं तरक्याती काम 10% और कहीं 12% मुकम्मल करने का दावा किया गया है, कहीं महज 15% तरक्याती काम हुआ है। यह है वो रफ्तार जिस पर मुराद अली शाह बरहम भी दिखाई दिए। सफाई मुहिम कराची की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन हुकूमती इकदामात और शहर की गंदगी देखकर लगता है कि यह शायद सबसे बड़ी नहीं, सबसे बुरी जरूरत है। कराची की तरक्याती काम शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज पर तो क्या, एक डायरेक्शन में भी नहीं है। मेयर कराची पहले भी अपने वसाइल ना होने का रोना रोते रहे हैं और अब भी शहर पर पैसा खर्च करने का दावा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। शहर पर पैसा खर्च करने की तैयारी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। इस बारे में बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब। अरशद वोहरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत सिंध शहर पर 10 अरब खर्च कर रही है, 10 अरब अगले माली साल में खर्च करेगी, वो इख्तियारात जो आपको दरकार हैं उनका क्या होगा? 35 रोज हो गए आपकी 100 रोजा सफाई मुहिम को, उसके असरात भी नजर नहीं आते। पहले कहीं कराची में जगह जगह कचरा नजर आता था, अब कराची में कहीं कहीं कचरे में कराची नजर आता है। बिल्कुल, ये आपने सही टर्मिनोलॉजी यूज की है। देखिए, हमने जो है कचरा इतना बड़ा इशू है
कि जो 10 अरब का पैकेज दिया है उसी के साथ साथ सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट की है, उनको कहा है कि हमें 3 अरब रुपए चाहिए। हम 3 अरब रुपए में जो कराची में पिछले 8 सालों में कचरे की मशीनरी का इजाफा नहीं हुआ और कचरा जो है वो पाइल अप होता चला गया, 33% उठाने की कैपेसिटी जो थी वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रही थी, जो कि अब हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है 3 अरब रुपए, हमने एक एस्टिमेट किया है, हमने पूरे उस पर वर्किंग करके किया है, तो हम कराची को वन टाइम क्लीन कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है 10 अरब के पैकेज का, बहुत अच्छी बात है सिंध गवर्नमेंट ने दिया 10 अरब का पैकेज, लेकिन 10 अरब कराची जैसे शहर के लिए बहुत कम है। कराची के लिए कम अज कम जो है ना 100 अरब के पैकेजेस जब तक नहीं होंगे तब तक, ये वो शहर है जो देखें जो आपका इकोनॉमिक हब है, पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके दो दो पोर्ट यहाँ पे हैं। तो आप खुद ये सोचते हैं कि ये 10 अरब रुपए जो है ना, मतलब ये तो क्या कहते हैं आप, इसलिए सही कह रहे हैं कि 11-12 साल पहले भी जब मुस्तफा कमाल मेयर कराची थे तब भी जब मुशर्रफ साहब ने पैकेजेस दिए तो वो 11-12 साल पहले भी 31-32 अरब के पैकेजेस थे। नहीं नहीं वो 100 बिलियन प्लस थे। अच्छा चलिए इसको दुरुस्त भी करेंगे, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये भी मैं कहीं से कोट करूं। अब मुझे बताइए जब आप कहते हैं 100 बिलियन प्लस की जरूरत है तो रकम तो खर्च कर रही है कराची में हुकूमत सिंध, मजीद खर्च करेगी हुकूमत सिंध, आप क्या करेंगे और आप अपनी कारकर्दगी कैसे साबित करेंगे? देखिए बात यही बात आ जाती है कि आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज के फाइनेंशियल पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स शुड बी विद द लोकल गवर्नमेंट। ये 2013 का जो एक्ट आया है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, ये क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास नंबर ज्यादा थे असेंबली में, इस वजह से ये बिल पास हुआ, विच इज अगेंस्ट। ये कराची के लिए गलत हुआ है, कराची शहर के लिए गलत हुआ है, दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं। आप तब तस्लीम ना करते गवर्नर हाउस की मीटिंग्स में बैठकर, जब तस्लीम किया था एग्री किया था गवर्नर हाउस की मीटिंग में तस्लीम नहीं होती ये चीजें, ये असेंबली से पास होती हैं और असेंबली में नंबर का जब इसको डिस्कस किया गया था सियासी जमातों के दरमियान बैठकर गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आला हाउस में, तब तस्लीम ना करते? नहीं मेरे ख्याल से आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। वी वर अगेंस्ट इट, आई वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दैट टाइम, वी वर अगेंस्ट इट, हमने इस पर एहतजाज किया था और बड़ा ओपनली। अच्छा दोस्त साहब आप भूल रहे हैं ना, आप लोग बार बार हुकूमत से निकलते थे, बार बार हुकूमत में आते थे, बार बार जाते थे, आप लोगों की जमात ने ये बार बार कहा है कि आप इस शहर के मसाइल के हल करने वालों में शामिल हैं, इस शहर के मसलों में से एक मसला आप नहीं है, लेकिन इस शहर के जो फैसले हुए हैं उन फैसलों का हिस्सा रहे हैं आप। अब आप ये जबरदस्ती मैं एक वर्जन दे रहा हूँ कि वी वर अगेंस्ट दिस, आई वाज द मेंबर ऑफ असेंबली, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर आप अपनी बात ही फिर सही करवा लें। मतलब मैं एक चीज बड़ा क्लियरली आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे दिखा दें रिकॉर्डिंग अगर आपके पास। चलिए आपका मौकिफ अपनी जगह, मेरा बयान अपनी जगह, लेकिन ये फरमाइए कि इन हुकूक को हासिल करने के लिए क्या अब आप अदालत जाएंगे? जी बिल्कुल, विल गो टू द कोर्ट्स। अर्शद वारा साहब बहुत शुक्रिया Z5 को वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, News@5 का हिस्सा बनाएंगे मजीद। अस्पताल के ठंडे फर्श पर जोहरा बीबी ने दम तोड़ दिया, उसकी बेटी के रुखसारों पर गर्म आंसू बहते रहे, पूरा मुल्क देखता रहा लेकिन हालत नहीं बदली है। पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि अस्पतालों में, कहीं अमराज़े कल्ब के अस्पताल में एक ऐसी दवाई से कि जिससे जान गई, मरने वालों की तादाद 100 का हिंसा उबूर कर गई। हमने ये भी देखा है कि पंजाब के इन अस्पतालों में सीढ़ियों पर माओं ने बच्चों को जन्म दिया है, अस्पतालों के दरवाजों पर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का चक्कर लगाते मरीजों ने दम तोड़ा है, लेकिन हालत नहीं बदली है। अगर बदला है तो कुछ इतना,
कि हर बार यही हुआ है कि नोटिस लिया गया है, मौतली हुई है और अफसरान की जगह बदली है। बदली नहीं तो अवाम की किस्मत नहीं बदली है, अवाम की जगह नहीं बदली है। वो अस्पताल के ठंडे फर्श पर होते हैं, दरवाजों के बाहर होते हैं, कई बार यंग डॉक्टर्स के और पैरामेडिकल स्टाफ के मुक्कों के निशानों पर होते हैं और कई बार अस्पताल के एक एक बेड पर पांच पांच मरीज पड़े होते हैं। इस सूरत हाल पर इस ताजा वाकये के बाद क्या कुछ बदल सकता है, बात करते हैं। सीनियर रिपोर्टर सलीम शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब बहुत शुक्रिया, बताइए नोटिस हुआ, मौतली हो गई, अब तक क्या कुछ हुआ है पहले ये जानना चाहेंगे। जी तारिक, बात आपने बड़ी अच्छी की है कि सब कुछ होता है लेकिन हकाइक जो है वो इस तरह है कि एक शख्स उठ के दूसरे कमरे में चला जाता है। ये जो एमएस को मुतल किया गया है जफर यूसुफ, ये इससे पहले लेडी विलिंगटन में लगे हुए थे लेकिन इनकी मौजूदगी में ही जो है एक खातून ने बच्चे को सीढ़ियों पर जन्म दिया था लेकिन उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वो वहीं लगे रहे। अब ये यहाँ आए हैं, यहाँ से इनको एक बड़ा वाकया होने पर मुतल ज़रूर कर दिया गया है लेकिन जो है कोई और शख्स जो है बड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इस खातून को पहले DHQ हॉस्पिटल लेकर गया, फिर जनरल हॉस्पिटल लेकर आया गया, फिर PIC लेकर आया, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर आए, फिर ये जिला हॉस्पिटल में आई। पांच अस्पतालों का एक दिन में विजिट किया गया था लेकिन अभी तक जो वज़ीर आला पंजाब को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई थी वो सिर्फ एक हॉस्पिटल की पेश की गई थी, वो था जिला हॉस्पिटल जहाँ पर खातून ने जान दी थी फर्श पर, ठंडे फर्श पर लेट कर उसको वहीं पर इलाज किया जा रहा था। अभी चार अस्पताल बाकी हैं, वहाँ की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन होना बाकी है। मैं तो ये कहूँगा कि इंतजामिया के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए लेकिन जो इससे ऊपर के लोग बैठे हैं जिसमें सेक्रेटरी सेहत है, वजीर सेहत है, इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि असल चीज़ें तो इन लोगों ने जो है वो देनी होती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं देंगे, अस्पतालों में बेहतरी नहीं लाएंगे तो फिर मरीजों के लिए बेहतरी नहीं आएगी, मरीज जो है वो बेहतर नहीं होंगे, मरीजों को सहूलियात बेहतर नहीं मिलेगी। सलीम शेख साहब, ये एक ज़ोहरा बेबी की बात नहीं है, ये एक नोटिस की एक मौतली की बात नहीं है, ये वाकयात मुसलसल होते रहे हैं और हालात बदल नहीं रहे हैं। जी तारिक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हालात बदले नहीं हैं और ना ही बदलेंगे क्योंकि जिस तरह ये एक काम किया जा रहा है सिर्फ नोटिस होते हैं और नोटिस भी उस बात पर होते हैं जो चीज़ मीडिया दिखाती है। हुकूमत की कोई आंख नहीं है, कोई कान नहीं है, कोई उसके पाँव नहीं है, वो खुद जाकर नहीं देखती कि अस्पतालों में क्या हो रहा है क्योंकि जो मीडिया है उस पर तो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया। कमेटी ने तहकीक की है, तफ्तीश की है और फिर उसके बाद ये मौतली हुई। इस मामले पर जो सलमान रफीक साहब हैं, सलमान रफीक साहब क्या कहते हैं इस मामले पर? हमने तो कोशिश की बार बार कि हमें हम उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें, एक जानब तवज्जो नहीं दे रहे, दूसरी जानब वक्त नहीं दे रहे। जी तारिक साहब, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ना वो तवज्जो दे रहे हैं ना वक्त दे रहे हैं। मेरी जो है तीन बार उनके PA से बात हो चुकी है क्योंकि वो नंबर खुद अटेंड नहीं करते, PA ने फ़ोन अटेंड किया होता है। ये प्रोग्राम के दौरान भी मैंने 3 मिनट पहले मेरी उनके PA से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ख्वाजा साहब को मैं अभी फ़ोन नहीं दे सकता, 1 घंटे बाद फ़ोन कीजिएगा। मैंने उनको कहा कि 1:30 बजे भी आपको कॉल की गई थी तो आपने अभी तक उनको बताना गवारा नहीं समझा, तो उनका ये कहना था कि ख्वाजा साहब को मैं हर बात नहीं बता सकता। यही बात है कि ख्वाजा साहब को जब कोई बात जाती है या नहीं जाती ये हम नहीं कुछ कह सकते कि PA जो है वो इसीलिए रखा जाता है कि वो बात जो है अपने अफसर तक बाज़ाब्ता पहुंचा सके। अगर वो 3 से 4 घंटे में भी बात नहीं पहुंचा सका तो इसका मतलब है कि ख्वाजा साहब ने खुद उसको मना किया है कि कौन सी कॉल लेनी है, कौन सी बात बतानी है, कौन सी नहीं बतानी। और ख्वाजा साहब से ये कहा गया था कि आज इस प्रोग्राम में ये बात ज़ेर बहस आनी है कि जो ज़ोहरा बीबी है उसकी हलाकत पर सिर्फ एक शख्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, बाकी जो 4 अस्पताल हैं उनकी इंतजामिया है और सेक्रेटरी सेहत है उसके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब का जो नोटिस है वो कहाँ गया? सिर्फ एक शख्स को निशाने इबरत बना दिया गया, हो सकता है कि उसको भी चंद दिनों बाद जो है किसी और सीट पर लगा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से सलीम शेख साहब आपने बताया कि ख्वाजा सलमान रफीक अपने पर्सनल असिस्टेंट के मोहताज हैं, उसी तरह अवाम मोहताज हैं अपने पर्सनल असिस्टेंट ख्वाजा सलमान रफीक के जो उनकी सेहत के मामलात पर तवज्जो दें, वक्त दें। तुर्की में अगवा किए गए नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो ने एक तशवीश की
लहर दौड़ा दी है। इस पाकिस्तान से तुर्की तक इस जुर्म के ताने बाने फैले हुए हैं। FIA ने कार्रवाई की है और गुजरांवाला में 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरांवाला में गिरफ्तार किए गए इन 3 अफराद के नाम अफजाल, सुहेल और लुकमान हैं। इनका एक साथी वसीम तुर्की में है। अफजाल के जरिए मुतासर अफराद तुर्की गए और वहां तावान के लिए अगवा कर लिए गए हैं। और इस बारे में हम आपको मजीद बताएं कि अब तक जो तफ्तीश हुई है उस तफ्तीश में यह पता चला है कि यह शख्स पाकिस्तान में कई जराइम में मुलव्वस है, मतलूब है और 10 साल पहले यह गया था तुर्की और वहां पर अब यह पूरा नेटवर्क चला रहा है। इस बारे में मजीद बात करेंगे सीनियर नुमाइंदे तनवीर भट्ट साहब गुजरांवाला से मेरे साथ मौजूद हैं। तनवीर भट्ट साहब, अब तक FIA ने क्या किया है और जो मुगवी का खानदान है वो मुतमईन है अब तक की कार्रवाई से? FIA ने तो ये पहले दो भाई थे जो इनके एजेंट थे, उस एक का नाम था सुहेल, दूसरा था अफजाल। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया तो 19 दिन के बाद ये FIA की टीम वहां पहुंची थी। फिर उनको पता चला ये जो मगवी आबद है इसके बहनोई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ, दोनों गिरफ्तार हुए। इन दोनों भाइयों ने जो एजेंट है इन्होंने एक लुकमान भट्ट जो लाहौर का रहायशी है उसको भी गिरफ्तार करवाया। जब वो गिरफ्तार होके आज उनका 3 दिन का रिमांड भी हो गया है, लेकिन इस बात का अभी तक उनके घर वाले तो मुतमिन नहीं क्योंकि उनको ये FIA वाले मानने को तैयार नहीं। लेकिन अभी तक वो जो जिन्होंने इनको अगवा किया है, अगवा कर रहे हैं, वो अभी तक रابطे में है, बिल्कुल उनको कोई परेशानी नहीं। बस उनका यही मुतालबा है कि हमें पैसे दिए जाएं। दूसरी तरफ FIA का कहना है कि हमने बहुत ज्यादा इस पे काम किया है, एक बात हम गुजरांवाला में कर रहे हैं, दूसरी जो हमारी टांग है वो तुर्की में है, हम वहां पे जो थाना आक्सराय है जहां से ये बच्चे गुम हुए थे वहां से जो अगवा हुए हैं वहां से हमारा रابطा है, जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इनके जो अगवा होने वाला आबद है जिसपे सबसे ज्यादा तशद्दद किया गया है, इसका एक भाई है जो जर्मनी में रहता है आजकल, उसका कहना है कि जो मेरी अपने भाई से अगवा होने से 3 दिन पहले बात हुई थी तो मेरे भाई ने कहा था कि जो एजेंट हमें यहाँ पे छोड़ के गया है वो पाकिस्तान चला गया, जिस पर मुझे तश्वीश हुई कि मेरे भाई को इधर अभी आए हुए बिल्कुल नया नया आया, उसको तो यहाँ का कुछ पता नहीं, इसे काम पे लगवाना था, वो इनको छोड़ के क्यों चला गया। लेकिन इसके इलाके को जो दूसरे लड़के इसके साथ गए थे उसने उनके भाई जाहद को तसल्ली दी थी ऐसी कोई बात नहीं, हम सब इकट्ठे हैं, अगर उसने पैसे देने थे उन अफगानियों पे तो वो सुहेल तो भाग गया है, हमें परेशानी क्या है। 2 दिन के बाद उसका कहना है कि मेरे भाई का मुझे फिर फोन आया, मेरे भाई ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से इस्तांबुल से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर जाना है, हमने वहां पे हमें काम मिल गया है, जितनी देर हम किसी यूरोप के मुल्क में नहीं चले जाते इधर ही काम करेंगे और काम का पैकेज भी उन्होंने अच्छा बताया हमें। मैंने जब अपने भाई की बातें सुनी तो मैंने कहा ठीक है मैं भी काम पे जा रहा हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। उसके अगले रोज ही मेरे भाई ने मुझे फोन किया कि हम यहाँ पे एक इलाका है। तनवीर भट्ट साहब, आपने इसके हकायक बताए लेकिन तश्वीश की बात यह है कि ये शख्स इस इलाके से तुर्की तक इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहा था पिछले 10-12 सालों से और बड़ी आसानी के साथ ये सब कुछ चल रहा था। इससे पहले प्रोग्राम में बात की थी कराची में सफाई मुहिम की, कराची में सफाई हुई या नहीं लेकिन दुनिया मान रही है कि कराची में सफाया हुआ है। बरतानवी जरीदे ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट यह कहती है कि कराची दुनिया भर के उन शहरों में जो बदमनी से शदीद मुतासिर थे उनमें 6 से 31वें नंबर पर आ गया है। यह बेहतरी आई है कराची में रेंजर्स की काविशों से, फौज की काविशों से, पुलिस की काविशों से। रिपोर्ट में जो आदाद शुमार बताए गए वो ये कहते हैं कि 2013 में कराची में साल भर में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 2800 के करीब थी लेकिन गुज़श्ता बरस ये तादाद 590 के आसपास रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कराची में 2013 में 52 धमाके हुए थे लेकिन 2016 में शहर में 2 धमाके हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ CPLC नाजिम हाजी साहब। नाजिम हाजी साहब, बहुत अच्छी खबर है कराची के लिए, हालात बदले हैं और रेंजर्स की, फौज की इन काविशों का एतराफ दुनिया कर रही है। जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो क्राइम्स हमारे शहर में हो रहे थे, जो संगीन क्राइम, संगीन नौयत के जो जराइम होते थे वो उसमें काफी कमी आई है, बल्कि कुछ क्राइम तो लिटरली खत्म हो चुके हैं लाइक किडनैपिंग फॉर रैंसम। लेकिन इसके साथ साथ में ये बहुत जरूरी बताना कि स्ट्रीट क्राइम
आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और बढ़ते जा रहा है, और इसमें ये मगिंग, सेलफोन मगिंग है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग इतना नहीं है जितना मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है। तो ये दो जराइम हैं, वो उनकी थोड़ी सी ग्राफ वो बढ़ गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ पुलिस की कार्रवाई या पुलिस का कसूर नहीं है, ये हमारी जुडिशरी जो है, लोअर लेवल जुडिशरी, उनका भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि गवाही के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ कोई गवाह होने को तैयार नहीं, शहरी जब के साथ एक वाकया होता है तो वो गवाही देने से वो घबराता है। तो उसमें हमारे जो कानून में चेंजेस किए गए थे 13D की जगह पे 23A का जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था, जिसमें पुलिस की गवाही भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही कि जो हमारे लोअर लेवल की जुडिशरी है वो उसको मानती नहीं है। हालांकि देखें, जुडिशरी को कानून के मुताबिक चलना चाहिए, और अगर एक कानून में प्रोविजन है और उसमें ये है कि पुलिस की गवाही एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि वरना तो कोई प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन होगा ही नहीं। तो ये वही बात आ रही कि वही जो ऑफेंडर होता है वो रिपीट ऑफेंडर है, वो उसको जेल में डाल दो। साबिक चीफ सीपीएलसी नाजिम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और आपका ये कहना है कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं गो के शहर के हालात बदले हैं। और अब बात करें क्रिकेट की, तो खेल के मैदान से, जहां ये अच्छी खबर आ रही है कि वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकती है, इस बात के इम्कानात रोशन हो रहे हैं, वहीं खेल के मैदान से एक बार फिर बुरी खबर यह है कि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने रन्स का पहाड़ खड़ा किया है, और एक बार फिर पाकिस्तान ने मुजाहिमत दिखाई है। अब तक बल्लेबाज पूरी तरह से सेट नहीं हो सके हैं, पाकिस्तान की विकेटें जल्दी गिरने का सिलसिला रुक नहीं सका है। पाकिस्तान अब तक जो 3 मैचेस हैं उनकी होने वाली इनिंग्स की बात करें तो पाकिस्तानी टीम 2 इनिंग्स में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकी है, और पाकिस्तानी टीम अब तक 20 विकेटें हासिल करने में नाकाम रही है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने ये दिखाया है कि एक मैच की 4 इनिंग्स में से किसी एक इनिंग्स में हमें बेदारी बेदार होती है। तारिक तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और मैं वालेकुम अस्सलाम कहूंगा कि देखिए ऑनेस्टली जब ये टीम यहाँ से जा रही थी तो मैं ये कह रहा था कि हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, और ये नहीं कि मैं पाकिस्तान टीम को कोई वो कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, लेकिन हमारी टीम वाकई बहुत अच्छी है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, और ये पिचेस भी आपने देखी है बिल्कुल बाउंस में, कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली तारिक, हमारी गेम प्लान, हमारी बैटिंग में और हमारी बॉलिंग में और प्लेइंग 11 सही ना खिलाना, ये हमारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से मैं फील करता हूं कि हम ऑस्ट्रेलिया को, इस ऑस्ट्रेलियन टीम को हम इन पिचेस के ऊपर बिल्कुल हरा सकते थे। न्यूजीलैंड में भी बहुत बेहतर रिकॉर्ड हो सकता था, लेकिन जब आपके पास गेम प्लान सही नहीं होगा, अगर गेम प्लान हो और वो एग्जीक्यूट ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में और प्लेइंग 11। लेकिन ये क्या होता है, पहले टेस्ट की चौथी इनिंग्स में कुछ खेल लिया, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में कुछ खेल लिया, चारों इनिंग्स में तीनों शोबों में खेल के बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी है, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि तारिक, तीनों डिपार्टमेंट में जब तक आप क्रिकेट सही नहीं खेलेंगे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, जब तक आप मैचेस नहीं जीत सकते, और तो उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि हमको, जैसे मैंने आपसे कहा कि बैटिंग में हमको गेम प्लानिंग नजर नहीं आई है, बॉलिंग में प्लानिंग नजर नहीं आई है, वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग विकेट के ऊपर उनको बजाय उनको एक्यूरेट बॉलिंग करें, अपनी दिमाग लगा के बॉलिंग करें प्लान के तहत, वो चीज नजर आई। इसी वजह से हम 20 विकेटें नहीं ले पा रहे, दोनों नहीं खेल पा रहे। मोहसिन हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त की कमी के बाय साहब से माजा चाहेंगे। मंदी नजर आ रही है खेल के मैदान में और मुसलसल नजर आ रही है, अगर आदादोशुमार बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे तो साथ ही अब नजर डाल लेते हैं कि बाजार अपडेट क्या है, बाजार के आदादोशुमार क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करें गोल्ड रेट्स की, तो गोल्ड रेट्स नीचे गए हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में फी तोला सोने की कीमत 49,700 रुपए हो गई है। गोल्ड रेट्स जहां नीचे गए हैं, चांदी के निर्ख बरकरार हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चांदी के निर्ख 750 रुपए फी तोला हैं। चांदी और सोने के निरखों की हमने बात की, आपको बताएं अमरीकी डॉलर ट्रेड कर रहा है 108 रुपए
25 पैसे पर, बरतानवी पाउंड ट्रेड कर रहा है 132 रुपए पर, दिरहम ट्रेड कर रहा है 29 रुपए 55 पैसे पर, यूरो 112 रुपए 5 पैसे पर, सऊदी रियाल आप देख सकते हैं 28 रुपए 7 पैसे पर। और इसके बाद अगर बात करें केएससी 100 इंडेक्स की, तो मंदी का रुझान केएससी 100 इंडेक्स में भी नजर आ रहा है। जिस तरह हमने कहा कि क्रिकेट में जो फिगर्स सामने आ रहे हैं वो हमें मंदी की कहानी सुनाते हैं, तो केएससी 100 इंडेक्स में 122 पॉइंट्स की कमी हुई है। केएससी 100 इंडेक्स 48,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इसके साथ ही आज के न्यूज़ एट 5 से इतना ही, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे आधे दिन की पूरी खबरों के साथ।